स्वागत है आपका। यहाँ पर टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप 2019 का अपना पहला मैच साउथ अफ्रीका को 6 विकेट से हरा दिया है, और इस जीत के बाद क्या कहा कप्तान विराट कोहली ने आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाए। दोस्तों, यहाँ पर टीम इंडिया अपने पहले ही मैच में वर्ल्ड कप 2019 के साउथ अफ्रीका से भिड़ी थी, जहां पर साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता पहले बैटिंग करने का फैसला लिया और 227 रन जो है वो बनाए 9 विकेट के नुकसान पे। 228 रनों का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 6 विकेट से जो है इस मैच को अपने नाम किया, और बहुत ही शानदार जीत रही ये टीम इंडिया की। और इसके बाद कप्तान विराट कोहली ने काफी सारी बातें कही, जहां पर उन्होंने कहा कि ये जो है एक लो स्कोरिंग गेम था, क्योंकि पिच जो है कुछ इसी तरह का बिहेव कर रही थी। यहां हमने काफी अच्छी बॉलिंग कराई, जहां पर हमारे पेसर्स ने स्टार्ट नई बॉल से बहुत ही कमाल की दी, 2 इंपॉर्टेंट विकेट निकाले। इसके बाद स्पिनर्स ने मिडल ओवर में 5 विकेट निकाले और एंड में भुवनेश्वर कुमार ने अच्छी बॉलिंग कराई, और अपनी इस स्टार्ट से हम जो है वो काफी ज्यादा खुश है, ये कहा दोस्तों कप्तान विराट कोहली ने। इसके बाद उन्होंने रोहित शर्मा की तारीफ करी। जब रोहित शर्मा की इनिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से रोहित शर्मा की ये सबसे बेस्ट इनिंग थी, जहां पर उन्होंने कहा कि बॉलर्स को काफी मदद मिल रही थी पिच पे, जिस तरह का बाउंस था उस तरह में काफी तकलीफ बैट्समैन को हो रही थी, लेकिन रोहित शर्मा ने यहाँ पर काफी मैच्योरिटी दिखाई, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इनिंग खेली। और मैंने अभी तक रोहित शर्मा की काफी सारी पारियां देखी है, लेकिन ये पारी जो थी वो थी सबसे बेस्ट, ये कहना था दोस्तों कप्तान विराट कोहली का। तो ये सारी बातें कप्तान विराट कोहली ने कही मैच जीतने के बाद, जहां पर उन्होंने अपने बॉलर्स की तारीफ करी और रोहित शर्मा की तारीफ करी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, टीम इंडिया की पहली जीत की क्या थी सबसे बड़ी वजह, रोहित शर्मा की पारी या फिर टीम इंडिया की बॉलिंग? आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।